बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। कैसी मेरी YouTube फैमिली, उम्मीद करती हूँ सब ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह, हम भी बिल्कुल ठीक हैं और आपकी दुआओं के तलबगार हैं और आपके लिए दुआगो हैं। पंखा मेरे ना बंद कर दो, कोई शोर ही ना आता हो। माइक तो लगाया हुआ है, कोई पता नहीं है, बोल चुके हैं तो फिर एंड में पता चलता है कि आवाज़ आ रही है शाशा की। उस दिन भी मेरी एक सिस्टर कह रही थी कि ना हलवे का बता दें, मैं ना शोर है बहुत, आवाज़ कूलर आपने चलाया हुआ तो आवाज़ नहीं आती। गर्मी मेरी सिस्टर इतनी ज़्यादा है, किचन में जाएं तो ज़रा देर के लिए अगर कोई सब्ज़ी काटने के लिए खड़े होते हैं तब भी दिल करता है कि ना कूलर या कोई एसी चलाओ, पंखा चला दें। तो चलें जी, मैं आपको आज की जो रूटीन है ना सारी वो शेयर करती हूँ, क्योंकि या फहीम, जैसे कि मैंने आपको अभी बता रही हूँ कि जैसे फहीम जा रहा है मरी, तो इसने एडिटिंग करनी होती है, तो ये भी व्लॉग हम बना के उसको दे रहे हैं। फिर कुछ व्लॉग वो मरी से बना के लाएगा, कुछ हम बनाएंगे घर में जो भी रूटीन होगी डेली की। तो चलते हैं, अभी मैं आपको हिरा से, नायाब से और बच्चों से मिलवाती हूँ। तो चलें, चलते हैं हिरा के पास। यहाँ पे ज़रा देखें जी हिरा को, ये व्लॉग देख रही है कि ये क्या कर रही है बाहर। ये हमारी शूटिंग चल रही है, व्लॉग बन रहा है, ऐसे है ना हिरा, व्लॉग बन रहा है। आपका भी बन रहा है, मेरे बेबी का बन रहा है, काका नंगा काका कर देती है कपड़े उतार के उसको, गर्मी है ना कच्चा भी नहीं पहनने देती उसको। बस जी देखें हीरा को, हीरा को दिखाया आपको ये थोड़ा सा मैंने। अस्सलाम वालेकुम हीरा, कैसी हो? यहाँ मिलें जी आप, मैम हीरा से खेल रही हैं। देखें वहां तक ये छोड़ के तो घूम के यहाँ आ गई हैं। क्या कर रहे हो हीरा? हीरा क्या कर रहे हो? यहाँ पे देखें जी, यहाँ पे देखें, ये देखें, इसने सांप को पकड़ लिया है। और आप यकीन माने ये खिलौना, और मुझे मैंने कभी हाथ ही लगाया, मुझे डर लगता है इसको हाथ लगाते हुए। ये देखें, ये तो अगर ओरिजिनल होता उसको पकड़ लेती, बच्चों की तरह दिमाग है उसका। आप देखें मार ही देगी सांप को पकड़ के जैसे वो कहते हैं ना बच्चों की मुट्ठी में आ जाए तो मुट्ठी खुलती नहीं है उनकी, सांप भी मर जाता है। ये हाल है इनका, ये देखें। ये किससे खेल रही हो, किससे खेल रही हो? ये सांप कहाँ से आ गया? ओय 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 ओय। हीरा क्या कर रही हो? ओय ओय ओय, मेरे बेटे को काट ना ले सांप, ओय ओय ओय, सांप ना, ओय फेंक दो इसको, इसको फेंक दो। मौसम इस्लामाबाद का जी ये बहुत अच्छा है दो दिनों से, तो जाहिर है इरा का मूड भी बहुत अच्छा है। गर्मियों में वैसे ही ज़रा खेलती रहती है क्योंकि इसके रूम में एसी होता है, ज़्यादा गर्मी होता है एसी चलता है, तो आज दो दिनों से तो वैसे इतनी एसी की ज़रूरत नहीं है। हाँ सारे कहते हैं हमारे आस पड़ोस वाले के सोलर लगवाया है तो मौसम अच्छा हो गया। वाओ वाओ, ये बेबी किसका आ गया, नंगा बेबी, और पपले नहीं है इसके ना, इसके पपले नहीं है, ओए अल्लाह का किया। उस सांप को फेंक दो नीचे, ले लो सांप उसे, सांप को दे दीजिए। हाँ उस नहीं नहीं ले ले, बस ऐसे मुझे अजीब सा लग रहा है, भाई फेंक दो इसको यार, मैंने गली में फेंका तो फिर अंदर पतंग कौन ले आया है। हीरा, ये थी जी हीरा की मुलाकात। दुआ में याद रखिएगा मेरी हीरा के लिए, बहुत सारी दुआएं किया करें, अल्लाह पाक से शफा दे, कोई मुजजा कर दे परवरदिगार इसके लिए कि उठ के बैठ जाए, बैठ जाए तो वही भी हमारे लिए काफ़ी है। उसी के लिए मैं अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ूंगी, अल्लाह पाक के शुक्राने के नफल अदा करूँगी तो ये बैठ जाए, बैठ भी नहीं सकती। अब शोर कर रही है कि मुझे वो सांप दो, उसकी मर्जी की चीज़ है ना खेलने के लिए। क्या चाहिए, क्या चाहिए?
हीरा क्या चाहिए? सांप चाहिए? सांप नहीं, सांप खतरनाक होता है, वो नहीं चाहिए। तो ये थी जी आज की हीरा की मुलाकात, थोड़ी लंबी हो गई है। दुआ में याद रखिए, हीरा को ख़ास तौर पे दुआ में याद रखिए, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, और अच्छा सा कमेंट भी कीजिए। थैंक यू वेरी मच। इनसे मिलें जी, नहा धो के, आज जुमे का दिन है, और नहा धो के नायाब अनवर बैठी हुई हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कैसी है नायाब? नायाब को जितना मर्जी गुस्सा हो जी, वो स्माइल देती है और अस्सलाम वालेकुम स्माइल से करती है ना। बड़ी प्यारी मेरी बेटी है ये मुझे तंग भी नहीं करती, ये बहुत अच्छी बच्ची है। और नायाब कैसी हो? आज नाखून उतारो। अच्छा, ये अपने नाखून वगैरह खुद उतारती है जी, बल्कि ये पहले तो हीरा के भी उतार देती थी, है ना। नेल कटर देंगे, इधर इधर बातें करो आप। आज क्या बनेगा खाना? मेन्यू नायाब सेट करती है जी, पूछते हैं आप क्या बनेगा। पता नहीं आज क्या बनेगा, आप बताएं क्या बनेगा, मुझे तो पता नहीं चलता क्या बनेगा। पता नहीं कोई दाल बना ले, देखो कोई सब्जी बना ले, सब्जी बना ले। ये इनके इशारे देखे हैं जी, ये लाइबा उसके इशारे करती है और वो उसके इशारे सुनती है। अम्मी मैंने नहीं इशारे की, उसने इशारे किए। हाँ मैंने देख लिए, उसने भी किए और आप भी कर रही हो। हर वक्त चावल नहीं खाते, अच्छे नहीं होते। क्यों? चावल नुकसानदेह, इतने ज्यादा नहीं खाते। अम्मी मैं आपको बात बताती हूं, मैंने उसे पूछे क्या बना, वो भी आपके साथ गए, उसने भी कहना राइस। उसने तो वैसे शाम को मरी चले जाना है घूमने फिरने, वो तो जा रहा है। कहाँ जा रहा है? मरी। यहाँ पर जी फहीम जुम्मे के नमाज के लिए रेडी हुआ हुआ है और ये आज तैयारी में, आज इनसे मिले। आज बड़ा सिंधी बना हुआ है, सिंधी टोपी। सिंधी टोपी अजरक की कमी, अजरक ले आते ना साथ। वालेकुम अस्सलाम, कैसे हो यासीन? ठीक हो? क्या हो रहा है? काम कर रहे हो किचन का? कंप्लीट हो गया कि नहीं? फहीम यासीन की भी कटिंग करवानी है और असीफ की करवानी है। आपने कहा था मौसम अच्छा होगा, मौसम अच्छा होकर गुजर भी रहा है, कल कुछ से फिर तेज धूप निकलना शुरू हो जाएगी। यासीन यार ऊपर रख दिया था, शुक्र है अल्लाह का जी यासीन आया। यासीन ना आता तो ये ईद आती है तो बड़ा काम होता है, इसलिए ना आजकल वैसे भी काम बड़ा हुआ है। मेरी तो थकन वो पहले जो खाने शाने बनाती रही उसकी नहीं उतरी थी, तो अभी कल से फिर अचार और ये वो करते हुए मुझे ना आज भी लग रहा है कि कुछ बुखार सा ऐसे लग रहा है। बंदा बूढ़ा हो जाए तो फिर यही हाल होता है जी, डे बाय डे लगता है बुखार है। और मैं जवान थी तब भी मुझे ऐसे ही लगता था, बीपी लो रहता था अक्सर, ऐसे ही रहती थी, समझ नहीं आती थी कि क्या है। और मेरी जो मदर इन लॉ थी वो कहती होती थी चेकअप करवाओ, क्यों ऐसे हो, इस तरह से तुम्हारी तबीयत खराब रहती है हर वक्त, पता नहीं क्या है, मुझे समझ नहीं आती, कोई जिन है मेरे साथ या कोई, समझ नहीं आ रही क्या है मुझे। ये देखें जी गर्मी का हाल देखें, इसको भी नहलाना है, पीछे हो जा, पीछे ना, ना ये सारे कपड़े आपने गंदे किए हुए हैं, इसको बंद करें। उधर सलाम करो ना, फिर आप इधर खड़ा हो, मेरा बेटा नहीं है, मेरा अच्छा बेटा नहीं है, है? नहीं। अच्छा बेटा नहीं, अभी नहा ले, ठीक है? नहीं, जुम्मा है, नमाज नहीं पढ़नी, इधर खड़ा हो, इधर इधर
अभी इसने नहाना है जी, हम तो रेडी हो गए जुम्मे के लिए। तो ये अपने गाने सुन रहा है, इनको वैसे ही माफी है, जुम्मे की भी माफी है और दुनिया के हर गुनाह की माफी है, हर चीज की माफी है। और शायद अल्लाह पाक इनके साथ हमें माफ कर दे, कुछ हमारी भी सुन ले अल्लाह पाक, हमें भी बख्श दे इनके सदके। तो यहाँ पे ये था जी आज का मेरा व्लॉग और मेरी डेली की रूटीन जो मैंने आपके साथ शेयर की है। एक मेरे भाई रात को उन्होंने, पता नहीं आसिफ नाम है क्या, उन्होंने मुझे दो दफ़ा मैसेज किया है कि ना सिस्टर आप ऊपर से जो सोलर है वो नीचे लगा लें, आंधी तूफान आते हैं। उनकी बात अपनी जगह सही है, मगर ये उनकी ना टीम आई थी सर्वे वाली, वो पहले सर्वे उन्होंने किया है, हमारा भी यही मूड था कि हम नीचे लगवाएंगे, पर वहाँ पे धूप जो है ना थोड़ी देर के लिए आती है तो धूप ख़त्म हो जाती है, तो इसकी जो है ना बेहतर कारकर्दगी के लिए कि ये अच्छा काम करें, उन्होंने खुद वो चीज़ सिलेक्ट की है, वो जगह वो खुद सिलेक्ट करते हैं। यहाँ पे इस्लामाबाद में सबके ममटी के ऊपर लगे हुए हैं, जहाँ पे धूप कम आती है वो ममटियों के ऊपर लगे हुए हैं, इसलिए उन्होंने लगाए हैं, वरना हमारी चॉइस तो ये थी कि हम नीचे लगवाते हैं। उन्होंने कहा कि नहीं जी, सर्वे टीम ने कहा कि यहाँ पे लगेगा, मजबूत तो काफ़ी की है, अब देखें अल्लाह करे कि ना सही रही। अब असीब, अब इसको बंद करो ना बेटा, इसको अंदर ले जाओ, कॉपीराइट आ जाता है ना। अच्छा आ रहे हैं, कॉपीराइट आ जाता है। असीब जरा थोड़ा सा लेट समझता है जी अपनी बात, बस वो कहता है मेरी सुन ले। तो ये था आज का व्लॉग और आपके साथ जो अपनी रूटीन थी वो शेयर की है। दुआ में याद रखिए, अपना ख्याल रखिए, जज़ाकअल्लाह खैर, अल्लाह हाफिज। मरी जा रहा है फहीम, तो आपको नहीं लेके जा रहा? नहीं, मरी जा रहा है ये फेम ऊपर, मरी जा रहा है। आप हमें भी लेके जाओ। सोलर को क्या करे, सोलर को मुंह में डाले, वो तो चलो ठंड हो जाती है उधर, थोड़ी सी आउटिंग भी तो चाहिए होती है ना, ऑक्सीजन चाहिए होती है। ईद के बाद खुद जाना है उन्होंने, मामू लोग जाएंगे। हाय, हाँ नयाब, उसका मूड खराब हो गया, नयाब का ओ नया का मूड खराब हो गया, दस्ती मूड खराब कर लेती है। असीब को सामने बकरे का नाम लें, उसका मूड ठीक। अगर ऐसे जितना गुस्से में होगा ना, अगर हम उसे कहेंगे हम बेड़ा ले रहे हैं, हम बकरा ले रहे हैं, बस वो बिल्कुल कूल डाउन हो जाता है। और नायाब के सामने अगर राइस का नाम लें ना, तो नायाब बिल्कुल नॉर्मल हो जाती है कि आप राइस पकने, ऐसे करते हैं जैसे राइस कभी पके नहीं है। मेरे बहन भाइयों को भी पता चल गया होगा कि कितने ज्यादा राइस बनते हैं हमारे घर में। हाँ नायाब, अब वो तो फहीम कह रहा है मैं जा रहा हूँ, तो आप लोग बाद में जाना, दो महीने के बाद। चलो ठीक, ओके, अल्लाह हाफिज़। मेरी तरफ से सबको जी जुमा मुबारक, अल्लाह पाक इस जुमे के सदके सबके परेशानियाँ दूर करे, जो बीमार है उनको शिफाए कामला अता करे, और जो बेरोजगार है उनको रोजगार अता फरमाए, बे औलादों को औलाद अता फरमाए, और हर एक की जायज़ ख्वाहिशात पूरी करे, और मेरी भी हर ख्वाहिश पूरी करे परवरदगार, जायज़ ख्वाहिशात जो हमारी हैं, मेरे बच्चे को भी अल्लाह ताला बच्चा दे, सेहत और ज़िंदगी वाला दे, आमीन सुम्मा आमीन।